सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, वो है डेस्टिनेशन सिटी। ठीक है, लीट कोड 1436। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखी है पाथ्स का, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सिटीज रहेंगी। मतलब कि अगर सिटी ए सिटी बी ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सिटी ए से सिटी बी तक का कोई पाथ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन सिटी रिटर्न करनी है। ठीक है, मतलब वो सिटी जिसका कोई भी आउटगोइंग पाथ ना हो, मतलब उस जगह से हम दोबारा कहीं नहीं जा सकते, वो आखिरी सिटी होगा। तो ठीक है, अब कैसे, जैसे यहाँ पे इनका ही एक टेस्ट केस देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि जैसे इनने पाथ्स दे रखा है हमारे पास, एक है लंदन, न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से लाइन, और फिर लाइन से सौ पॉलो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक पाथ है, यहाँ से यहाँ तक का पाथ है, यहाँ से यहाँ तक का पाथ है, मतलब लंदन से न्यूयॉर्क जा सकते हैं, न्यूयॉर्क से लाइन भी जा सकते हैं, और लाइन से सौ पॉलो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो कि क्या सौ पॉलो से हम कहीं जा सकते हैं क्या, इंटरकनेक्टेड नहीं है ना। तो लंदन टू न्यूयॉर्क जा सकते हैं, न्यूयॉर्क से फिर हम कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, लाइन। तो लंदन टू लाइन एक पाथ हम कह सकते हैं कि हाँ न्यूयॉर्क होते हुए हम जाएंगे, और सेम न्यूयॉर्क से हम लाइन भी जा सकते हैं ना, और लाइन से सौ पॉलो, मतलब न्यूयॉर्क से सौ पॉलो, लेकिन सौ पॉलो से कोई भी आउटगोइंग पाथ हमारे पास नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये कि उसे करेंगे कैसे। तो जब भी ऐसे से कुछ आए तो हमारे में एक ये हमें एक इंट्यूशन आना चाहिए कि क्या हम सेट ये से कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या। सिंगल रिटर्न है, यूनिक है, ठीक है, तो हम सेट जैसी कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी अप्रोच होगी यूजिंग हैश सेट। ठीक है, अब मैंने कह तो दिया हैश सेट, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, एक आउटगोइंग का सेट बना लेंगे, ठीक है, जो जो निकलने वाले हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, वो सब सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनके पास आउटगोइंग पाथ होगा। ठीक है, मतलब आउटगोइंग पाथ किनके किनके पास है, अगर हम ऊपर देखें तो लंदन के पास है, न्यूयॉर्क के पास है, लाइन के पास है, तो इनका हम इनको हम सेट में पकड़ के डाल देंगे। ठीक है, अब जब हम इनको डाल दिए तो हम बस हमारा क्या हुआ, ये एक काम रहा चेक करने का आखिरी वाला कि आखिरी सिटी कौन सी बच जाएगी। अगर न्यूयॉर्क सेट में मिल गया इसका मतलब वो तो पाथ नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क तो है और न्यूयॉर्क से हम जा रहे हैं कहीं पे। सेम अगर सेट में जैसे लाइन भी पड़ा हुआ है तो लाइन भी कनेक्टेड है न्यूयॉर्क से, है ना, न्यूयॉर्क से हम लाइन जा सकते हैं। बच कौन सा गया, सौ पॉलो। सौ पॉलो क्या सेट के अंदर है क्या, नहीं है, है ना। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा आउटगोइंग का, अगर हम आउटगोइंग का सेट देखें तो ऐसा सा होगा, लंदन, न्यूयॉर्क और लाइन। अब जो इस सेट में मौजूद नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना, बस यही अप्रोच था। ठीक है, हम सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या वो आउटगोइंग सेट में मौजूद है या नहीं, अगर है इसका मतलब कि वो डेस्टिनेशन सिटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम जा सकते हैं तभी वो सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्लियर। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं इसको कोड में कैसे करते हैं, है ना। आई होप अब तक क्लियर हो रही होगी चीज़ें। रिस्पेक्ट कहाँ से खोल दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हम एक सेट बना लेंगे आउट गोइंग नाम का। ठीक है, स्ट्रिंग ही ऑब्वियसली, तो जावा के अंदर हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब बस आइट्रेट करो पहले, पहले तो डालो पहले वालों को सेट में। तो ये एरे लिस्ट के फॉर्म में है ना, तो पाथ्स डॉट साइज आ जाएगा RI++। तो आउटगोइंग जो हमने सेट बनाया उसमें ऐड कर दो क्या, पाथ्स डॉट गेट आई, ये चेंज होता रहेगा, बाकी जीरो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, हम सेट का काम यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या होगा, सेट में तो हमने डाल दिया, अब सेट को चेक करना पड़ेगा क्या वो जो सिटी है वो सेट में है क्या दूसरी वाली।
अगर वो सिटी जो है आउटगोइंग वाला, अगर उसके बगल वाला जो है आउटगोइंग जहाँ से जा रहा है उसके बगल वाला भी अगर मौजूद है, इसका मतलब वो तो नहीं है, क्योंकि उससे भी कहीं हम जा सक रहे हैं, ठीक है। अगर हम उससे कहीं जा पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो नहीं हो सकती, तो जो बच गया आखिर में वही होगा हमारे पास। तो सेम ही है वैसा ही सब, बस यहाँ पे हम चेक करने के लिए सिटी बना लेते हैं, स्ट्रेंथ सिटी, ठीक है, जिसमें पास डॉट गेट आई डॉट गेट वन। अब ये आई जीरो और आई वन ये क्या है, अब ये मैं ड्राई रन करूँगा तो पता चल जाएगा, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या लिख दिया मैंने। बाकी आई होप जिनको नॉलेज होगी वो समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई नहीं, हम चेक कर लेंगे। वैसे एक ये बता दो कि मैं DSA का कोर्स लॉन्च करूं पहले या फिर कोई एक जावा की प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर दूं, कि पहले थोड़ी एक लैंग्वेज हो जाए उसके बाद। तो बस, तो अगर वो आउटगोइंग के सेट में मौजूद नहीं है ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो गया, वरना खाली स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे, ठीक है। लेट्स चेक। बढ़िया चल गया। अब जैसा मैंने कहा था एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो घर आ जाओ, ठीक है, इधर ठीक है, कोड विजिबल है ना। तो अब इसे ड्राई रन में क्या होगा कि हमें इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू क्या होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा जो मैं अलग पेन ले लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0 0 है ना, ये हो गया हमारे पास 0 1, ये हमारे पास हो गया 1 0, ये हो गया 1 1, 2 0 और 2 1, ठीक है। अब पहले लूप में देखो, जब हम सेट में डाल रहे हैं तो हम क्या किए हैं, गेट आई, तो इनिशियली हमारा आई इक्वल्स टू 0 था है ना, तो गेट 0 डॉट, एक तो ऑलरेडी 0 है ठीक है, तो 0 0 में कौन सा गया, तो ये हमारा सेट के लिए होगा, तो सेट में लंदन चला गया है ना, लंदन चला गया। अब अगला में मूव हुआ गेट 1 गेट 0, 1 0 कौन है, न्यूयॉर्क, तो वो हमारे सेट में चला गया NYC, ठीक है। उसके बाद गेट 2, 0 तो फिक्स है हमारा, तो 2 0 में कौन था, लाइन था है ना, तो लाइन भी हमारा सेट में चला गया। तो यार सेट में कैसे जा रहा है, ये मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ ठीक है, जो आउटगोइंग डॉट एड वाला चल रहा है, ये वाला लूप, ठीक है। अब अगले में आ जाओ, स्ट्रिंग सिटी, यहाँ पे क्या करो, चेक कर रहे हैं ठीक है, आई डॉट गेट 1। अब तुम इसको नोटिस करो कि गेट आई और गेट 1, 1 हमारा फिक्स है, मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं है ना, ये 1 1 वाला, और आई हमारा चेंज होता जा रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा, गेट 0 डॉट गेट 1, 0 1 क्या न्यूयॉर्क है क्या, नहीं, देखो नीचे इफ स्टेटमेंट में क्या, जो आउटगोइंग है वो सिटी को कंटेन नहीं कर रहा है क्या, लेकिन हाँ कर रहा है, तो हटिया वहाँ से अगले में चले जाएंगे। फिर गेट 1 डॉट गेट 1, 1 1 क्या लाइन भी है क्या, हाँ यार वो भी तो दिख रहा है हमारे सेट वाले के अंदर है ना, लाइन तो डला है अभी। उसके बाद फाइनली हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा 2.get1 क्या ये है क्या है ना, तो 100 पालो ना, ये नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर था, तो ये हमारा रिटर्न सिटी कर देगा। कोई है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी सबके लिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। और हाँ सॉरी, कल वो वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन हो गई थी, आज थोड़ा बेटर है तो आज सोचा बना देता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना एंड कीप कोडिंग, एंजॉय, ओके, बाय, सी यू गाइस।